नूतन वर्ष रहे मंगलमय, उत्साह उमंग बरसा दिया, दिल का दीप मन की बाती, प्यास का तेल मिला दिया, लोभ लागी विवेक वैराग्य की, आत्मभाव जगा दिया, निश्चल अखंड निजानंद रस जीवन में छलका दिया, इसलिए तुम्हारे को संदेश दे रहा हूँ। जीवन में छलका दिया लीला शाह बापू ने, वही प्रसाद में तुम्हारे जीवन में छलकता देखना चाहता हूँ। उन बच्चों को मैं कितना धन्यवाद दूं और उनके माता पिता को और ये आयोजन कर्ताओं को कि मेरे पास उन धन्यवादों की संख्या नहीं है। शिव जी देते हैं ऐसे लोगों को धन्यवाद। शिव जी पार्वती को कहते हैं। गुरु गीता का श्लोक आपको मैंने पहले भी सुनाया है, अब नए लोग हैं फिर से बोलता हूँ। शिव जी कहते हैं धन्या माता, उनकी माता धन्य है, पिता धन्य हो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, उनकी माता पिता कुल और गोत्र धन्य है जिसमें ऐसे हरि के प्यारे गुरु भक्ति और गुरु ज्ञान से संपन्न होने को तत्पर है, ऐसे लोगों को शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, पिता धन्य है, कुल गोत्र धन्य है। पार्वती वे जहाँ बैठते उठते हैं वो भूमि धन्य है, यत्र स्यात् गुरु भक्त। लोग दिवाली के दिनों में बच्चे बच्चियां पटाखे फोड़ते हैं, अच्छी बात है जो फोड़ते हैं, लेकिन हजारों हजारों 7,800 रजिस्ट्रेशन है और बाकी के तो आसपास के कितने होंगे मेरे को पता नहीं, उन तक संदेशा पहुंचा देना कि मैं शिव जी के तरफ से और मेरे गुरुदेव के तरफ से और मेरे तरफ से आपके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये उम्र उछल कूद करके पटाखे फोड़ के कहीं हाथ जला, कहीं प्रदूषण हुआ, कहीं कुछ हुआ, थोड़ा हर्ष मिलता है, लेकिन ये सद्भाग्यशाली हर्ष और शोक, जहाँ हर्ष होता है वहां शोक भी होता है, हर्ष शोक जाके नहीं, हर्ष और शोक जिसको नहीं है और जो आत्मरस की तरफ चलते हैं, ऐसे विद्यार्थी उत्थान शिविर वालों को सभी को खूब खूब शाबाश धन्यवाद देना मेरे तरफ से। और 7-7 दिन 27 तारीख से लेकर 2 तारीख तक 7 दिन रहेंगे बाल बालिकाएं और सज्जन लोग सदनारियां, उन सभी को धन्यवाद है। एक खास बात याद रखें, वो लोग उनको बता देगा कि आज नूतन वर्ष है, सारा दिन शुभ मुहूर्त है, आज का किया हुआ जप कई गुना फल देता है और उसके साथ साथ सोमवती अमावस्या है, तो मैं तो ये कहूंगा शतम रिहाय भूतम, 100 काम छोड़कर टाइम से भोजन करो, सहस्त्रम स्नानम आचरे, 1,000 काम छोड़कर स्नान कर लो, लक्ष्यम रिहाय दातव्यम, 100,000 काम छोड़कर दान पुण्य सत्कर्म सेवा कर लो, लेकिन शास्त्र के पर ये भी ध्यान रखो कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, अभी भोजन बाद में करना और दूसरा कुछ काम बाद में करना, आज ये अमावस्या और नूतन वर्ष के सहयोग का मिलन का जप का प्रभाव का फायदा, मौन हो जाना, गुरु मंत्र जपना, भगवत मंत्र जपना, जो भी मंत्र की सिद्धि करना चाहो आज का मुहूर्त बहुत बढ़िया है। आंचल और उनके संबंध वाले परिचित लोग और बच्चे बच्चियां सब एक इतने प्रसिद्ध हुए, वो बबली की तरफ से मंत्र लिया है, बहुत जगह पे सुख प्रसिद्धि मिली है। ऐसे तो कई मेरे बच्चे हैं, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, हमेशा ऊंचे विचार, ऊंचा संग, ऊंचा चिंतन करे और मंगलमय दिवाली को आध्यात्मिक ढंग से बताते हैं। जैसे कचरा निकालना होता है दुकान का, घर का, फैक्ट्री का, फिर नई चीज लानी होती है, जो तीसरा दीप जलाने होते हैं और चौथा मिठाई खाने खिलानी होती है। ये तो लौकिक दिवाली है, आध्यात्मिक दिवाली के विषय में मैंने बोला हुआ है। Thank you.